आज आपके लिए लाई हूँ क्रिसमस पे बनाने के लिए एक बहुत ही हेल्दी केक। हेल्दी इसलिए कि ये ना तो इस मैदा पड़ेगी इसमें और ना ही इसमें चीनी पड़ेगी, मतलब बिल्कुल शुगर फ्री, मैदा फ्री। और एक खास बात यह कि ये ओवन में भी नहीं बना रही हूँ मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, जो कि घर में सबके उपलब्ध होती है, तो आसानी से आप लोग ये केक बना सकते हैं। उसके लिए मैंने सादा गेहूं का आटा लिया है 200 ग्राम और उसमें डालने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम गुड़। गुड़ को मैंने बारीक काट लिया है क्योंकि बाद में हमें इसे मेल्ट करना है, तो वो हमें बाद में आटे में डालना है। इसमें डालने के लिए मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि 10-15 बादाम ले लिए, 15-16, और 15-16 काजू ले लिए, और काली जो द्राक्ष होती है ना, काली किशमिश बड़ी वाली, वो ले ली है 15 दाने। लेकिन अगर बड़ी है तो आपका अगर इच्छा हो तो आप उसको काट के भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने आधे टुकड़े में काट लिया था। और टूटी फ्रूटी मैंने ली है 3 चम्मच, जो हम नॉर्मल चम्मच घर में यूज़ करते हैं वो। और ये सब चीज़ें जो हैं मैंने 2 संतरे के रस में, फ्रेश रस मैंने निकाला 2 संतरे का, और करीब 100 ml के करीब वो हुआ, उसमें मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट जो थे वो 3 घंटे के लिए भिगो दिए। उसके बाद फिर मैं अब आटे पे आती हूँ। जो हमारे सूखे जो मैदा, सूखा जो हमारा मिश्रण है वो हमें बनाना है, तो उसमें आटा जो हमने है वो छानना है हमें। तो जब हम आटा छानेंगे तो पहले तो आटा हम चलनी में डाल लेंगे, फिर उसमें हम डालेंगे 1 चुटकी नमक, क्योंकि किसी भी मीठी डिश में 1 चुटकी नमक से जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट बैलेंस हो जाता है। उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो होता है ना हम यूज़ करते हैं वो, और 1 चम्मच में डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब इसके सिवा 50 ml दूध और 50 ml रिफाइंड ऑयल मैंने अलग से मिक्स करके रख लिया है, वो भी मैं इसमें डालूंगी बाद में। अभी मैं सूखे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको छान लेती हूँ। जब छान रही हूँ तो उसमें मैं 1/2 चम्मच दालचीनी का पाउडर भी मैंने डाल दिया, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये सब चीज़ें जब मैंने छान ली तो इसके बाद मुझे अब सबसे पहले क्या करना है कि गुड़ को हमें मेल्ट करना है। अब हमारा 150 ग्राम गुड़ है तो उसका करीब हमें, जैसे 1 कटोरी गुड़ है तो उसका हमें 1/4, जैसे हमने नाप से अगर बताएं तो वैसे 25 ml के करीब मैंने पानी ले लिया, और अगर कटोरी से आप गुड़ नाप रहे हैं तो 1/4 कटोरी आप पानी ले लीजिए। पानी को हम गैस पे चढ़ा देंगे और उसमें हम ये गुड़ डाल के धीमी आंच पहले तो हम रखेंगे, फिर मीडियम पे हम 3 मिनट के करीब उसको लगातार चलाते रहेंगे, जो कि गुड़ हमारा मेल्ट हो जाएगा। 3 मिनट के बाद क्या होगा कि जो पानी हमने उसमें डाला था ना वो तो पूरा एवोपोरेट हो गया, मतलब वो उड़ गया सारा पानी, वाष्पीकरण हो गया, तो हमारा गुड़ पिघल भी गया है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं, थोड़ी सी देर हम इसको ठंडा होने का वेट करते हैं, और फिर जो हमने सूखी सामग्री हमारी रखी है आटे की, उसमें हमें इसको मिक्स करना है, वो मैं मिक्स कर दूंगी। इसमें मैं मिक्स कर दिया, मैंने वो भी डाल दिया, फिर दूध और ऑयल का जो मिश्रण बना के रखा था मैंने वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स आपने जो हमने संतरे के रस में भिगो के रखे थे वो भी सब उसमें डाल दिए। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया, और 1/2 चम्मच इसमें डाला मैंने वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस डालने के बाद जब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मतलब हार्ड है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और लूज होनी चाहिए, तो मैं इसमें 50 ml के करीब दूध और डाल देती हूँ, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और फिर ये मेरा बैटर अच्छी तरह से केक का तैयार हो गया है। कंटेनर को मैं पूरा अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी, उसके किनार जो हैं वो भी सारे ग्रीस कर लूँगी, फिर उसमें उसी नाप का एक बटर पेपर रख के बटर पेपर को भी थोड़ा ग्रीस कर लूँगी, और फिर उसमें ये सारा मिश्रण अच्छी तरह डाल देते हैं, और फिर उसको 2 बार हम टैप कर देंगे। तब तक मैंने जो कढ़ाई रखी थी गैस पे, कढ़ाई में मैं गैस पे वो बना रही हूँ केक, कढ़ाई में बनाना है तो कढ़ाई को मैंने 5 मिनट के लिए प्रीहीट करने गैस पर रख दिया था। अब वो हमारी प्रीहीट हो गई है, तो उसमें मैं थोड़ी सी रेत डाल के एक स्टैंड रख दूँगी, और उसमें ये कंटेनर मैं रख देती हूँ, और उसको अच्छी तरह से मैं एक बड़े तसले से मैंने ढक दिया है, कवर कर दिया है। अच्छी तरह हमें कवर करना है कि कहीं से भी हमारा वो लीक ना हो उसके अंदर की भाप। ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि ये एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हमने सबसे पहले जब रखा है तो 1 मिनट हाई फ्लेम रखी, उसके बाद मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिया है पकने के लिए। करीब मुझे इसे 40 मिनट पकाना है,
लेकिन 30 मिनट के बाद मैं इसको देखूंगी और इसमें ऊपर से जो मुझे ड्राई फ्रूट्स इसमें बिछाने हैं वो मैं तब बिछाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई हमारा केक इस तरह से तैयार हुआ है। 40 मिनट में, 40-45 मिनट में ये हमारा केक पूरा बन के तैयार हो जाएगा और फिर आप क्रिसमस पे ज़रूर इसे ट्राई कीजिए।